कुछ दिनों पहले पश्चिम बर्धमान जिला के कुलटी के भाजपा विधायक के बेटे के खिलाफ कथित एक ऑडियो वायरल हुआ था। उस ऑडियो को केंद्र कर तृणमूल कांग्रेस भाजपा को पूरी तरह से घेरने की तैयारी में जुटी हुई है। इस मुद्दे पर टीएमसी का एक प्रतिनिधि मंडल सोमवार को आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के सीपीएन सुधीर कुमार से मुलाकात कर जांच की मांग की। हालांकि तृणमूल के जिलाध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने बताया कि उनकी सीपी के साथ यह एक सौजन्य मुलाकात है, फिर भी इस मुलाकात के दौरान उन्होंने उक्त ऑडियो के मुद्दे पर जांच करवाने की मांग की है। आइए देखते हैं नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने क्या कहा। एक वीडियो वायरल हुआ था, हाँ सबको जानकारी है, ये लेकर हम लोग एक प्रेस रिलीज किया। बात मुद्दा बात यही है, हम लोग पास खबर है, ये बीजेपी का मंडल सभापति बीजेपी के सेक्रेटरी ने बोल रहा है, ये मेरा नेता लोग गोरी चोरी का पैसा खाता है। हमने कहा जिसको मुखोश उखड़ना है, जो नामावली पहन के जप का माला ले के जप कर रहा है, हाँ लिखित कंप्लेंट दी आप लोगों ने? नहीं, हम लोग तो सीपी साहब के बात का जानकारी दिया, इसको घटना को छानबीन करने के लिए बोला। देखा जा रहा है कि अभी भी चल रहा है वहाँ पे गुरु प्रचार, अभी भी वहाँ चल रहा है? देखिए हम तो वहाँ नहीं रहता है, हम एमबीआई भी नहीं है, हम पुलिस भी नहीं है, हमारे पास जो खबर आया आप ही लोग के द्वारा उसको हम प्रशासन तक खबर पहुँचाया, ठीक है ना? थैंक यू।